नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है यह अनुमान बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और गुरुवार शाम बिहार सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर इस पर मुहर भी लगा दिए लेकिन इस बार के लॉकडाउन में थोड़ा बदलाव भी है 16 अगस्त तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के स्वरूप के बारे में भी आपको बता देते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन के नियम थे लगभग वही रहेंगे लेकिन उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है गृह विभाग के आदेश के अनुसार बिहार के सभी जिलों में एक से सोलह अगस्त तक लॉकडाउन का प्रतिबंध रहेगा इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेगी ऑटो टैक्सी और रिक्शा का परिचालन बंद नहीं किया गया है ऑटो टैक्सी और रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा लेकिन बसों का परिचालन बंद रहेगा यानी एक बार फिर पूरे बिहार में बस सेवा बंद रहेगी एक से सोलह अगस्त तक बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है निजी वाहनों में भी अति आवश्यक काम के लिए छूट दी गई है साथ ही जिन क्षेत्रों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है उसके लिए भी निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है बेवजह निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी दुकानों को लेकर इस बार नई गाइडलाइन जारी की गई है दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है पहले इसकी इजाजत नहीं थी हालांकि यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा कि दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगा जिम को बिहार में अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है इसके अलावा पुलिस सिविल डिफेंस अग्निशमन सेवा बिजली जलापूर्ति एलपीजी गैस सेवा नगर पालिका एवं नगर निगम के आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी अस्पतालों और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों सहित उनके विनिर्माण और वितरण इकाइयां दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी केमिस्ट और मेडिकल उपकरण की दुकानें लैब्स क्लिनिक नर्सिंग होम एम्बुलेंस पहले की तरह कार्य करते रहेंगे इन क्षेत्रों से जुड़े सभी कर्मचारियों को परिचालन के लिए वाहनों की अनुमति दी गई है पशु चिकित्सा सेवाएं और प्रतिष्ठान पर भी यह छूट का प्रावधान लागू होगा इसके अलावा केंद्र सरकार के रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सूचना विज्ञान केंद्र प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन इकाइयां आपदा प्रबंधन और डाक घर पूर्ण रूप से खुले रहेंगे इनके अलावे भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय और उनके स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं शर्तों के साथ व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ काम करने की अनुमति दी गई है शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे रेस्टोरेंट ढाबा और भोजनालयों को केवल होम डिलीवरी या टेक अवे की अनुमति दी गई है धार्मिक स्थलों को भी सार्वजनिक तौर पर बंद रखने का निर्देश है स्कूल कॉलेज और कोचिंग्स प्रशिक्षण सभी बंद रहेंगे राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्पोर्ट्स समेत भीड़ भर वाले सभी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी निर्माण से जुड़े कार्यों को अनुमति दी गई है साथ ही निर्माण से जुड़े दुकानों को भी अनुमति दी गई है कृषि संबंधी सभी गतिविधियों को अनुमति कृषि संबंधी दुकानों के साथ दी गई है मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं है बिहार में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा रात दस बजे से सुबह पाँच बजे तक लेकिन इनमें कुछ को छूट दी गई है जैसे आवश्यक गतिविधियां सहित कई पारियों में संचालित होने वाले औद्योगिक इकाइयों के संचालन राष्ट्रीय और राज हाईवे पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग और उन यात्रियों को जो ट्रेन या विमान या बस से यात्रा करके बिहार पहुंचे होंगे उन्हें अपने गंतव्यों तक जाने की छूट रात के कर्फ्यू में भी दी गई है तो ये थे बिहार में लगे लॉकडाउन छह जो एक अगस्त से सोलह अगस्त तक जारी रहेगा उससे जुड़ी पूरी खबर उम्मीद है कि लॉकडाउन से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज धन्यवाद